नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुया और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है LIC सपनों की उड़ान। हमारा ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहते हैं। एक सफल करियर बनाने के लिए या तो आपके पास एक बड़ी डिग्री होनी चाहिए या फिर लंबा अनुभव, और अगर खुद का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो देखिए ढेर सारी पूंजी और बहुत सारा जोखिम भी। एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आप अपनी सफलता को नई उड़ान दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं LIC एजेंट के तौर पर करियर ऑप्शन की। आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और उम्र 18 साल से ज्यादा, और आप बन सकते हैं एक LIC एजेंट। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने LIC एजेंट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आज उनके सपनों को मिली है नई उड़ान। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में, और आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे ही सफल LIC एजेंट से। और इस समय मैं मौजूद हूं इंदौर में। रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया इंदौर को सजाने और सवारने में। इसी शहर में लता मंगेशकर और सुमित्रा महाजन जैसी हस्तियां। आज आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को खुशहाल बनाया। इंदौर की संगीता महेश्वरी की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है। 1993 में BCOM सेकेंड ईयर के पेपर देते हुए ही उनका विवाह हो गया। ससुराल आकर आपको पता चला कि पति की आमदनी इतनी नहीं है कि वो बढ़ते परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। हालात ऐसे बन गए थे कि बच्चों के स्कूल की फीस भी भर पाना संभव नहीं था। आपने स्कूल ट्रस्ट से बच्चों की फीस माफ करने की अपील की। स्कूल ट्रस्ट ने कहा भीख मांगने से अच्छा है कोई काम कर लो। अपमानित संगीता जी ने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए LIC एजेंट बनकर काम शुरू कर दिया। LIC का सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत से आपने न केवल अपने बच्चों का भविष्य बिगड़ने से बचाया बल्कि अपने सम्मान की रक्षा की। आज आपकी LIC कमीशन से सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। 2014 में आपने इंदौर की महिला उद्यमियों की श्रेणी में 37 लाख रुपए का आयकर भरा है। तो ये थी संगीता महेश्वरी, जिनकी आम से खास बनने की कहानी आपने देखी, लेकिन कैसे LIC ने उनके सपनों को पूरा किया, चलिए आप उन्हीं से जान लेते हैं। संगीता जी, हमने आपकी कहानी देखी, उस कहानी में जिन संघर्षों से आप गुजरी, जो मुसीबतें आपने झेली, वो हम सब ने देखी। बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आप आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। मैंने ना एक्चुअल में काम तो नहीं करती थी मैं शादी के 10 साल तक, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाना था ना तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मैं ना ट्रस्ट के पास जाती थी फीस माफ़ करवाने के लिए। तो फिर वो उन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम हम हमेशा तो नहीं रहेंगे ना, तुम कब तक फीस माफ़ करवाती रहोगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम खुद कुछ क्यों नहीं करती हो, और बहुत लोगों के सामने बोला, बहुत गंदा बोला। तो मेरी जगह तो कोई और होता तो सोसाइटी कर लेता मतलब, पर मैंने फिर उस दिन ठान लिया था कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और मैं आपको खुद कुछ करूँगी। फिर मेरे मामा थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम LIC में चली जाओ, वहाँ बहुत अच्छा स्कोप है और अच्छे ढंग से करोगी तो बहुत सफलता मिलेगी। महिलाएं अगर ये प्रोफेशन को अपनाती हैं तो बहुत परेशानियां हैं उनके लिए? हाँ नहीं, महिलाओं के लिए क्या है? मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहूँ, किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रहूँ। मैं अपना फील्ड वर्क बनाती रहूँ और बढ़ती रहूँ बहुत ईमानदारी से, मतलब अपना काम बिल्कुल एक घोड़े की तरह सामने देखते रहें और करते रहें। मतलब मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे किसी के साथ, कोई समझौता नहीं करूँ और मैं अपने काम में करती रहूँगी तो निश्चित आगे बढ़ जाऊँगी। अगर आप प्रोफेशन को चुनना चाहती है तो क्या देखती हैं? आपकी परेशानी है लेकिन आपके लिए करियर स्कोप है, मेहनत से काम कर। परेशानी नहीं है कुछ भी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है ना। LIC कहने को एक LIC, लेकिन इसके बहुत फील्ड है। आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो, कैसा काम करना चाहते हो, तो मैंने अपर लेवल ही चुना है। संगीता जी, आप क्या देखती हैं, बच्चे तो इस प्रोफेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, बच्चों का जो प्रोफेशन है ना वो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। ये प्रोफेशन कोई मोहताज नहीं, आप भी बन सकते हो, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, या के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रोफेशन तो आड़े आने ही नहीं हमारे। ये बहुत अच्छी चीज है शायद LIC एजेंट। हाँ, अगर आप हैं तो हाँ, आप कुछ भी कर रहे हो आप अपने हिसाब से अपना वर्क टाइम भी सेट कर सकते हैं। ज्यादा काम करना चाहते हैं तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। पार्ट टाइम कोई भी वर्क नहीं होता है, जिसमें भी अगर अपन करते तो फुल फ्लेश करना चाहिए। LIC की शुक्रगुजार है इस चीज़। बहुत है, मैं LIC को माता रानी के रूप में मानती हूँ, मेरे ईश्वर है,
मैं माता जी की भक्त हूँ, जैसा माँ है वैसा LIC है। बेटा ये वाला प्रोफेशन चाहे तो पिक कर सकता है, लेकिन अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। प्राउड मदर हैं आप? हाँ नहीं, हमारे यहाँ हमारी फील्ड में डॉक्टरों की आवश्यकता रहती है। बिना फिजिकल करे तो कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा है ना, डॉक्टर भी मेरा काम बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। कनक, आपकी बेटी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, कनक मम्मा का प्रोफेशन पिक करेंगी? आई एम श्योर यू आर अ प्राउड डॉटर टू बी। एग्जैक्टली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड अगर जब तक मेरा हुआ कि लाइक राइट नाउ तो आई एम इंटरेस्टेड इन MBA, बट स्टिल आफ्टर 12 आई एम डेफिनेटली गोइंग टू पिक हर प्रोफेशन। चलिए आपके साथ ऑफिस चलते हैं और देखते हैं कि आप ऑफिस में कैसे काम करती हैं। LIC ने संगीता जी के सपनों को नई उड़ान दी, इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं। संगीता जी, वैसे तो ये मेल डोमिनेटेड पूरा का पूरा सेक्टर है, जिसमें मेरे ख्याल से आप इकलौती महिला हैं जो कहीं भी फॉरेन कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हैं या भारत में कहीं कॉन्फ्रेंस के लिए जाती हैं, तो प्राउड तो फील करती हैं अपने लिए, लेकिन महिलाओं के लिए चुनौतियाँ कितनी हैं? महिलाओं के लिए चुनौती तो बहुत सारी है। मतलब जब मेरे मुसीबत के दिन थे तब मुझे वो दिन सब याद रहते हैं, इंसान को कोई भी नहीं भूलता। संघर्ष के दिन मैं नहीं भूली हूँ, कभी भी नहीं भूली हूँ। मुझे इतनी तकलीफ होती, मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो कि मैं इतना खतरनाक तरीके से मैंने मेहनत की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जो सुबह एक साड़ी पहनती थी तो शाम तक मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं मुंह धो लूँ या मेरे क्या करूँ। इधर बच्चों का भी ध्यान रखना, इधर बच्चे डाइवर्ट नहीं हो जाए उसका भी ध्यान रखना, वर्क भी करना, कॉम्पिटिशन भी देखना। मैं गवर्नमेंट पे बहुत प्राउड करती हूँ, मैं टैक्स भरने में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। मैं 37 लाख का टैक्स भी भरा और हमेशा बहुत खुशी होती है मुझे, तो मंदिर में दान देने की बजाय गवर्नमेंट को देंगे तो अपने को सुविधा देंगे। 37 लाख रुपए टैक्स भरा? हाँ मैंने भरा है और मुझे बहुत खुशी होती है। अगला टारगेट क्या देखती हूँ? मुझे मेरा 1 crore का मेरा बहुत सपना है कि मैं 1 crore का टैक्स भरूँ। 1 crore का टैक्स भरूँ और मतलब वर्ल्ड में टॉप हो जाऊँ, हूँ ऐसा है और होंगी भी। मतलब मेरी स्पीड बहुत ऐसी ही चल रही है। हर महिला के साथ में एक सफलता जुड़ी हुई है, बहुत कैलिबर दिया भगवान ने अपने को। मेरे नहीं रहने पे नहीं, मेरी 10 पीढ़ी के बाद भी नाम याद रहे। नहीं बिल्कुल रहेगा, ऐसा परोपकार भी करना चाह रही हूँ। जैसे कुछ हॉस्टल्स बनवा दें, कुछ कुछ कर दें, कुछ बच्चों के लिए कर दें। मेरा बच्चा भी हॉस्टल में पढ़ा, तो मैंने भी अभी यहाँ पे एक AB माहेश्वरी हॉस्टल बन रही है, उसमें एक रूम डोनेट करा। मेरी शिक्षा कि मैं पूरा हॉस्टल बना के दूँ, एक जो महिलाएं कुछ नहीं करती उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाऊँ, उनको रहने का भी साधन करूँ और उनसे फिर डेवलप करवाए ना काम, ऐसा मैं समर्पित हूँ। बहुत बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है संगीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।